कीड़ा नहीं है आशीष का बतिया समाज सब कर लेना नमस्कार टीवी अंग प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं मिलन गुंजन। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर रेलवे स्टेशन में और भागलपुर रेलवे स्टेशन में इस समय हम आपको दिखा रहे हैं पहली बार भागलपुर से जो लंबे समय से मांग चली आ रही थी राजधानी एक्सप्रेस की तेजस राजधानी एक्सप्रेस को आप देख सकते हैं। हमारे कैमरा पर्सन सुबोध आपको सीधे दिखा रहे हैं। ये है तेजस राजधानी एक्सप्रेस जो भागलपुर से अब यहाँ पर स्टेशन आ चुकी है और यहाँ से खुल करके सीधे नई दिल्ली के लिए जाएगी। अगरतला से लेकर के नई दिल्ली तक जाने वाली बहु प्रतीक्षित मांग थी ये भागलपुर के लोगों की और यहाँ के तमाम लोगों ने बहुत दिन से ये प्रयास किया कि यहाँ से राजधानी ट्रेन का ठहराव मिले, राजधानी ट्रेन इधर से हो। और आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं जैसे हमारा कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से तेजस ट्रेन को लेकर के यहाँ लोगों में उत्साह भी है। आगे कुछ कार्यक्रम भी इसको लेकर के हो रहे हैं जहाँ यहाँ के सांसद अजय मंडल उनके साथ साथ बीजेपी के तमाम कुछ बड़े नेता लोग मौजूद हैं। इस ट्रेन को आप देख पा रहे हैं कि जो पैसेंजर्स हैं पहली बार जो यात्रा कर रहे हैं इस ट्रेन में यहाँ से वो तमाम लोग आप यात्री भी हैं और यहाँ के यात्री आइए एक बार उनसे सीधे जान लेते हैं। आप पहली बार तेजस से यात्रा कर रहे हैं? यस यस पहली बार। कैसा लग रहा है भागलपुर से? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हम लोगों के लिए ये सपना था और वो आज सपना पहला बार पूरा हो रहा है कि यहाँ से राजधानी क्रॉस कर रही है। और खुशी की बात यह है कि मैं भी आज इसी ट्रेन में सफर करके जा रहा हूँ। नाम बता दीजिए। मेरा नाम शैलेश कुमार है, मैं कोटक महिंद्रा बैंक में हूँ। थैंक यू। ये थे देख रहे हैं आपकी यात्री यहाँ जो इस ट्रेन से सफ़र करके काफ़ी खुशी महसूस उन्होंने बताया खुशी महसूस कर रहे हैं और ये साफ दर्शाया इन्होंने कि बहुत दिन से ये मांग थी और आवश्यकता भी थी और उस चीज़ को लेकर के अब जाके जो भारत सरकार है, रेल मंत्रालय है, उसने तेजस राजधानी एक्सप्रेस को भागलपुर के इस रास्ते से दिया है। वैसे नवगछिया होते हुए तो राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव भी था लेकिन अब यहाँ भी ट्रेन का ठहराव मिला है। तो हम ये कह सकते हैं कि आप जिस तरह से लोगों की जो लगातार मांग बहुत अरसे से चल रही थी उस मांग को अब सरकार ने पूरा किया है और ये ट्रेन भागलपुर स्टेशन पर रुकी हुई है। अगरतला से नई दिल्ली तक जाएगी ट्रेन और भागलपुर में गुड्डा के रास्ते भी। हमारे साथ कुछ और यात्री भी हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। बताइए इस बार कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ये एक आपके जो थ्रू एक संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ का जो एयरपोर्ट है उनको भी चालू किया जाए ताकि हमारे भागलपुर वासी को सुविधा मिल सके। एम्स जैसे अस्पताल जो हैं बहुत अच्छे अस्पताल हैं, वहाँ जाने में आसानी हो। इस ट्रेन को लेकर के कितने खुश हैं आप लोग? बहुत उत्साह हैं, चढ़ने से ज़्यादा मैं देखने के लिए इस ट्रेन को आया हुआ हूँ। और ऐसा कह रहे हैं कि चढ़ने से ज़्यादा ये लोग उत्साहित हैं कि ये ट्रेन यहाँ से भागलपुर के शहरवासियों को मिला। ये तमाम तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं भागलपुर रेलवे स्टेशन से जहाँ पर ये ट्रेन अभी लगी हुई है और अब से कुछ देर के बाद वो यहाँ से खुल जाएगी, नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। तमाम जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और भी यहाँ उनके जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम लोग यहाँ स्टेशन पर पहुँचे हैं और जो कुछ औपचारिकताएँ हैं क्योंकि जब आज शुभारम्भ हो रहा है आज इस ट्रेन का, ट्रेन आज यहाँ से खुल रही है भागलपुर से जो अगरतला से चल के आई है और भागलपुर से अगरतला होते हुए जो ट्रेन अब वहाँ तक पहुँच रही है। तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं भागलपुर के, जानते हैं कि किस तरह से वो देख रहे हैं तेजस ट्रेन को। बहुत अच्छा है, आज भागलपुर में देखने को मिला है कि राजधानी एक्सप्रेस भी भागलपुर से चल सकती है माननीय निशिकांत दुबे के द्वारा और अजय मंडल के द्वारा के प्रयास से ये काम हुआ है। कितने खुश हैं भागलपुर के लोग? बहुत खुश हैं, बहुत उत्साह है। और कुछ लोग हमारे साथ, बताइए आज तेजस राजधानी एक्सप्रेस बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही थी, कई चुनावों में मुद्दा भी बना। ये शुद्ध रूप से माननीय गोड्डा सांसद के द्वारा ये दिया हुआ ट्रेन है, ये एक ट्रेन नहीं है, कम से कम 7-8 ट्रेन भागलपुर को हम लोग को उनके द्वारा मिला है। ये भागलपुर वाले के लिए सौभाग्य है कि मेरे भागलपुर के सांसद गोड्डा से हैं लेकिन सारा कुछ इधर भागलपुर वाले को दे रहे हैं। फायदा कितना मिलेगा यहाँ के लोगों को? यहाँ के लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। आप कितने खुश हैं व्यक्तिगत? बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। और यही हिमाद्री दुबे, हम लोग यही चाहते हैं कि और भैया और ट्रेन दे, निशिकांत भैया और ट्रेन हम लोग को देते रहे। ये भी, और देखिए ये भी कुछ ये यात्री हैं और भागलपुर के, बताइए कैसा लग रहा है ये यहाँ पे जो आज ट्रेन जो है अगरतला और अगरतला से न्यू दिल्ली राजधानी जो ट्रेन खुली है इससे भागलपुर अंग प्रदेश के जितने भी लोग हैं चाहे वो नौजवान हो, युवा हो या बुजुर्ग हो या महिलाएं हो, सभी को इस ट्रेनों से दिल्ली जो कि भारत में एम्स जाने के लिए
एम्स का सुविधा के लिए कोई भी ऐसा ट्रेन नहीं था, लेकिन आज ये ट्रेन भागलपुर से खुलेगी। जितने भी असक्षम मरीज हैं जिनको इलाज के लिए यहाँ से एयरपोर्ट भी नहीं है, इसलिए ये ट्रेन का होना एकदम ही ज़रूरी था जो है। इसलिए ये ट्रेन जो चुलवाए जो माननीय सांसद जी का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, और भागलपुर के जनता के लिए ये बहुत ही लाभकारी होगा जो है। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग कितने खुश हैं ये ट्रेन जो? बहुत खुश हैं हम लोग, क्योंकि हम खुद ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहले थे, तो हम लोगों को दिल्ली जाने में काफ़ी समय होता था। वहाँ से मैं भी स्टूडेंट लीडर रह चुका हूँ, तो यहाँ से हम लोग पहले तीनसुकिया से जाते थे, ये विक्रमशिला से जाते थे, एक ही ट्रेन थी। लेकिन अब ये एक ट्रेन हुआ जो कि समय भी कम लगेगा, डायरेक्ट हम लोग पहुँच जाएंगे, और जो भी काम है सब आसानी से और इजली वे में हो सकता है। श्रेय किसको देंगे ये राजधानी एक्सप्रेस? श्रेय तो देखिए, जो यहाँ के सांसद हैं और गोड्डा सांसद हैं उनका मैंने श्रेय है, क्योंकि आज उन्होंने पोस्ट भी किया था रेल मंत्री के साथ में। वो जो भी है यहाँ के एमपी का भी योगदान है, दोनों का योगदान है जो है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अब ये हरी झंडी भी यहाँ से अब दिखाने कि अब जो शुरुआत वो हो रही है, और यहाँ से अब संभवतः ये ट्रेन खुलने वाली है। आप देख सकते हैं कि कई लोग फूल गुलदस्ता लेकर के जो ड्राइवर हैं और जो पैसेंजर्स हैं पहली बार जो चल रहे हैं उनको दे रहे हैं, और साथ ही जो ड्राइवर हैं उन्हें फूल गुलदस्ता मिठाई का डब्बा ये तमाम चीज़ें उनको मुहैया करा रहे हैं, और जो गार्ड हैं उन्हें मुहैया करा रहे हैं कि ये फूल गुलदस्ता। गार्ड साहब हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आई लोग, इस तरह से आपका स्वागत कर रहे हैं भागलपुर में, बहुत अच्छा लगा। सिल्क सिटी है ये यहाँ पर, सिल्क सिटी, और यहाँ का सिल्क जो पूरे विश्व में मशहूर है, और यहाँ से इस तरह का आपका वेलकम, मोस्ट वेलकम, ओके थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे पैसेंजर से? पैसेंजर से कहा कहेंगे तो सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया लगा, सबको अच्छे सही सलामत पहुँचा देंगे। तो देखिए ये थे इस ट्रेन को लेकर चलने वाले यहाँ के जो गार्ड साहब इस ट्रेन के, और कहा के अभिभूत हैं यहाँ के लोगों ने जिस से इनका स्वागत किया है, इनका जो वेलकम किया। आप देख सकते हैं कि फूल और मालाओं से इन्हें लाद दिया गया, और तमाम लोग इनके साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से लोगों में होड़ है, उत्साह है कि लोगों के साथ उनके साथ जो गार्ड हैं यहाँ के इस ट्रेन के, तेजस ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस के, उनके गार्ड के साथ लोग सेल्फी ले रहे हैं। और अब झंडी अब हरी दिखानी है, और उसके बाद ये ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाएगी नई दिल्ली के लिए। और अब देखिए इसी के साथ ट्रेन ने सीटी दे दी है, और हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को भागलपुर से रवाना किया जा रहा है। हम एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि ये राजधानी एक्सप्रेस है, तेजस राजधानी एक्सप्रेस, जो अगरतला से चलकर नई दिल्ली आएगी, भागलपुर होते हुए नई दिल्ली को जाएगी। आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब ट्रेन ने अपनी सीटी बजा दी है, और अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे झंडी दिखाने के बाद ये ट्रेन यहाँ से भागलपुर से आगे की तरफ बढ़ चली है, यानी दिल्ली की तरफ बढ़ चली है। त्रिपुरा अगरतला से चलकर ये ट्रेन आई है और नई दिल्ली के लिए रवाना हुई है। हम एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि आप देख रहे हैं भागलपुर रेलवे स्टेशन से ये सीधी तस्वीर, जहां राजधानी तेजस एक्सप्रेस जो है वो भागलपुर से अब खुल चुकी है, रवाना हो चुकी है। हरी झंडी दिखाकर यहां के कई नेताओं ने इस ट्रेन को यहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसमें काफ़ी अच्छी सुविधाएं लोगों को मिल रही है, ऐसा यहाँ के पैसेंजर्स ने बताया। और ये सीधी तस्वीरें देखिए आप कि किस तरह से इसकी जो मिरर है वहाँ पर ये तस्वीरें हैं, जहाँ के हर तरह के जो स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, उन पर्यटन स्थल को दर्शाया गया है उन तस्वीरों के माध्यम से। आप टीवी अंग प्रदेश के माध्यम से सीधे देख सकते हैं कि जो उस तरह के दर्शनीय स्थल हैं भारतवर्ष के, उन दर्शनीय स्थल को इस ट्रेन के विंडो पर लगाया गया है वॉलपेपर के रूप में। आप भागलपुर रेलवे स्टेशन से ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश के माध्यम से। और आज ये बड़ा दिन है भागलपुर वासियों के लिए, जो लंबे समय से बहुप्रतीक्षित मांगे थी यहाँ के लोगों की, कि काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, राजधानी ट्रेन का वो ठहराव चाहते थे, और यहाँ से चाहते थे कि राजधानी ट्रेन का ठहराव हो। तो अब आज से वो सपना साकार हुआ है, और अब ये ट्रेन आज पहली बार भागलपुर आकर के यहाँ से खुली है। इस ट्रेन को आप देख सकते हैं, हमारे साथ यहाँ के कुछ स्टेशन के ऑफिसर हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। जी सर, बताइए इस ट्रेन के विषय में। ये एक्चुअली बहुत ही चिर परिचित मतलब ये जन भागलपुर वासियों का ये सपना था, आज पूरा हो गया है। हम सभी यात्रियों का, रेल प्रशासन का धन्यवाद देते हैं कि ऐसी सुविधा मिली है भागलपुर वासियों को। ये मंगल को यहाँ से दिल्ली के लिए जाएगी,
और बृहस्पति को ये अगरतला के लिए प्रस्थान करेगी। अपना परिचय दे दीजिए सर आप। मैं प्रणव कुमार सिन्हा, चीफ यार्ड मास्टर भागलपुर। ये थे प्रणव कुमार सिन्हा, चीफ यार्ड मास्टर, जिन्होंने कि साफ साफ बताया कि ये ट्रेन कब आएगी, कितने बजे खुलेगी और यहाँ कब ये ट्रेन आएगी। कुछ लोग भागलपुर के जुड़े हैं, यहाँ के MLC डॉक्टर NK यादव हैं। बताइए सर, अब राजधानी एक्सप्रेस आज से वो सपना भी पूरा हो गया। भागलपुर विकास के राह पर है, ट्रेन शुरू हो गई। राजधानी शहर में भी बहुत विकास है, बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं। कल टेम्पो स्टैंड खुल गया, चमचमाती रोड बन गई, हमारा टाउन हॉल बन गया। विकास के रास्ते पर भागलपुर चल पड़ा है, समय समय विकास है। और जो रेल के लिए मैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भागलपुर के लिए एक अच्छी ट्रेन दिया है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर साहब, आपका धन्यवाद। ये थे भागलपुर के MLC डॉक्टर NK यादव, जिन्होंने कहा है कि ये जो ट्रेन चली है बहुप्रतीक्षित मांग थी और लगातार NDA सरकार में विकास की रफ्तार ने गति पकड़ी है और विकास तेज रफ्तार से हो रहा है। उसी कड़ी में ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव भागलपुर में हुआ है आज पहली बार, और यहाँ हरी झंडी दिखाकर उसे लोगों ने यहाँ से रवाना किया है। अब देख रहे हैं भागलपुर रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन अब धीरे धीरे दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर चुकी है। आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं TV अंग प्रदेश के माध्यम से कि जो बहुत दिनों से मांग थी यहाँ के लोगों की, वो मांग आज पूरी हुई है। और ये अब कुछ लोग जो श्रेय इस ट्रेन के ठहराव का ले रहे हैं, ऐसे कुछ लोग हैं। सीधे आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। जब भागलपुर की एक एक जनता का हाथ है तो निष्कांत भैया भी तो भागलपुर की जनता है, वो भी तो हमारे वोटर है। अगर उनका कहना है तो क्या गलत, वो वोटर है हमारे। अजय कुमार मंडल एक ऐसे सांसद है जो कि दो सांसदों के हम सांसद हैं। मैं भाग्य, मेरा दो भाई, बड़ा भाई जो है वो सांसद है, एक निष्कांत भैया और अश्विनी भैया, अश्विनी चौबे जी, हम बड़े भाई और उनको गुरु भी मानते हैं। दोनों भाई हमारे वोटर हैं, अगर इसमें उनका कहना है तो भागलपुर की जनता वो है। लेकिन निष्कांत जी का है हाथ इसमें। मैं ये कभी नहीं कह सकता हूँ कि भागलपुर की जनता का हाथ नहीं है, मैं ये कहूँगा भागलपुर की जनता के हाथ है। ये जनता ने ऐसा सब अपना चुनाव सेवक और ये आगे। सांसद जी, गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल जी आपके पार्टी के हैं, उन्होंने दावा किया है कि इस बार लोकसभा का चुनाव वो लड़ेंगे, आप उनसे जाकर के पूछ लीजिए। मैं जदयू का सिपाही हूँ और सिपाही को हमारे कमांडर, हमारे सुप्रीमो जहाँ खड़ा कर देंगे मैं वहीं खड़ा रहूँगा मूर्ति की तरह, और किसी के कहने सुनने की बात मैं तो नहीं सुनता हूँ, मुझे सुनने की आदत। लगातार वो दावा करने के मैं तो कहा कि मुझे किसने क्या दावा किया, किसने क्या किया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि मैं पार्टी का सिपाही हूँ और पार्टी मुझे जहाँ खड़ा कर देगी मैं इन तीनों से वहीं खड़ा होकर तटस्थ होकर के। गोपाल मंडल को टिकट मिलेगा तो आप मदद करेंगे ना? आप एक बात जान लीजिए, मेरे मुख्यमंत्री किन्हीं को भी रखेंगे हमारे सामने, मैं उन्हीं को पूछूंगा, आप जान लीजिए इस बात को। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिनको सामने खड़ा कर देंगे मैं उनको पूछूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के भाई संतोष दुबे, जो तेजस एक्सप्रेस जो आज राजधानी खुल गई भागलपुर से, इस मौके पर आए हैं। इन्होंने भी हरी झंडी दिखाई है। बहुत बहुत सबसे पहले आपको बधाई, क्या कहेंगे आज ये ट्रेन? मन गदगद हो गया और ये हर्ष का विषय है पूरे भागलपुर के लिए, पूरे भागलपुर की जनता के लिए ये हर्ष का विषय है। एक सपना था जो साकार हुआ और इस सपने को साकार करने में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे का विशेष तौर पे मैं आभार कहना चाहता हूँ कि उनकी वजह से ये तेजस एक्सप्रेस आज भागलपुर ने देखा। आप गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के भाई भी हैं, भागलपुर के आप रहने वाले भी हैं, यहाँ के निवासी भी हैं और पेशे से आप कभी पत्रकार भी रहे हैं, तो कैसे देखते हैं इसको समग्र रूप से अगर आप देखें? संतोष दुबे कैसे देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि भागलपुर रोज एक ईंट जोड़ने की कोशिश कर रहा है और इस ईंट को जोड़ने में जो भी प्रयत्नशील है
उनको मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। लोग कर रहे हैं, केंद्र की सरकार ज़रूरत से ज़्यादा कॉपरेट कर रही है, लेने वाला चाहिए, लोग लेने वाला चाहिए, मिलता है, मांग को ढंग से अगर रखा जाए तो सारी चीज़ें हो सकती है। और उसका एक उदाहरण जो है, लाइव एग्जांपल जो है, वो तेजस एक्सप्रेस से मिलता है। अभी जो आप यहाँ पर मौजूद हैं, श्रेय लेने की होड़ लगी है नेताओं में। हाँ। कोई कह रहा है हमने लाया हाँ। राजधानी को, कई लोग दावे कर रहे हैं, सांसद अजय मंडल भी दावा कर रहे हैं, और कई बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े, आप भी जानते हैं हाँ। सब लोग श्रेय ले रहे हैं। रियल में आखिर तेजस राजधानी जो चली है हाँ। तो इसमें रेल मंत्री ने जो ट्वीट किया है कि निशिकांत दुबे के आग्रह पे उन्होंने किया है, आपका क्या कहना? हमारे पूर्व प्रमुख थे कहलगांव के, उन्होंने भी दावा किया है कि मेरी वजह से चला। ये तो समझने की बात है, जब माननीय रेल मंत्री जी ने ट्वीट करके पूरे न केवल देश को, विश्व को बतला दिया कि निशिकांत दुबे की पहल पे ये तेजस एक्सप्रेस भागलपुर से गुजरेगी, बात वहीं ख़त्म हो जाती है। मैं बहुत छोटा साधना सा आदमी हूँ, मैं रेल मंत्री की बात कैसे काट सकता हूँ? जिनको काटने की ऐसा लगता है कि रेल मंत्री से ज़्यादा वो जानकार हैं, तो मुझे कुछ नहीं करना ऐसे लोगों पर। इसको कुतर्क कहते हैं, कुतर्क लोग करते रहे, मेरे तरफ से तो कुतर्क बंद है। संतोष जी, अभी जो अजय मंडल ने अभी बाइट दिया हम लोगों को हाँ। उनसे पूछा गया कि निशिकांत दुबे का इसमें क्या योगदान है हाँ। उन्होंने कहा, एकदम एक सिरे से कह दिया उन्होंने कि हाँ। भागलपुर के हर लोगों का जितना योगदान है उतना ही योगदान उनका भी है, बाकी प्रयास तो मैंने किया है। ठीक है, उनका कहना है, वो यानी कि जदयू के नेता है, वो थोड़े नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और अश्विनी वैष्णव जिंदाबाद करने वाले हैं, वो तो उनका अपना राजनीतिक वक्तव्य है, वो देते रहे। भागलपुर का नागरिक मैं भी हूँ, इस नाते मैं खुश हूँ। ये भी यहाँ के नागरिक भी हैं। एक और सवाल, 24 चुनाव 2000 नजदीक है लोकसभा का, क्या संतोष दुबे उम्मीदवारी दे रहे हैं? क्या यहाँ से राम खिलावन चुनाव जीत रहे हैं? यहाँ से राम खिलावन चुनाव जीत रहे हैं, ये व्यंग है संतोष दुबे का, आपने अस्पष्ट तरीके से देखा। और इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के प्रयास से राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव भागलपुर में हुआ है और यहाँ के लोगों को ये सौगात के रूप में मिली है। हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ से जो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन खुलेगी, मंगलवार को शाम के 6:25 वो भागलपुर रेलवे स्टेशन में उनका टाइमिंग है और 6:30 खुलने का समय है, जबकि बृहस्पतिवार को यही ट्रेन वापस दिल्ली से लौटेगी। अभी सप्ताह में इसे एक बार चलाया जाएगा और अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या नेता इसके जो अवधि है वो बढ़ाते हैं सप्ताह में या फिर नहीं। तमाम चीज़ों को लेकर के कह सकते हैं कि अब जो श्रेय लेने की होड़ है वो लगातार लोगों में मची हुई है। सांसद अलग कह रहे हैं अजय मंडल की हमारे प्रयास से हुआ है, निशिकांत दुबे कह रहे हैं, शाहनवाज हुसैन ने भी इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की थी और अपने सोशल मीडिया पर और कई अखबारों में और चैनल्स को उन्होंने दिए इंटरव्यू में कहा कि मेरे प्रयास से यहाँ पर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव हो रहा है। बहरहाल संतोष दुबे ने उन तमाम बातों को काटते हुए कह दिया और खास करके रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो लिखा है अपने ट्विटर हैंडल से कि निशिकांत दुबे के आग्रह पे उन्होंने इस ट्रेन का ठहराव भागलपुर में दिया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंग प्रदेश, भागलपुर।